काफी अच्छा लगा जब व्हेन वी लैंडेड इन दिल्ली एंड पीपल न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान. और काफी अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड काफी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते कि जिस तरह से कि वो हैरेस कर रहे होते हैं या अब्यूज कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. माय गॉड, डेवलपमेंट इज लाइक टू मच. मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यस, एंड वहाँ पे लोगों का, असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत जबरदस्त है. मल्टीकल्चर लैंड है वो बिल्कुल. वहाँ पे यू विल फाइंड एवरी पर्सन इन एवरी क्लोथिंग, इन एवरी लैंग्वेज, इन विद एवरी रिलीजन. तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे. मतलब पीपल आर मिक्सचर ओवर देयर, कल्चर इज मिक्स्ड ओवर देयर, एंड यू विल फाइंड लाइक फन एंड पीस ओवर देयर. लाइक आपको किसी किस्म का दिक्कत नहीं होना, किसी किस्म का परेशानी नहीं होना कि आप कौन हो, क्या हो, और आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या हो रहे हो. मतलब पीपल आर लाइक एंजॉइंग द लाइफ. मैं आपको बताऊँ, मैं बताऊँ मेंटल लेवल पे भी लेके जाएँ, क्योंकि यहाँ पे 5% भी नहीं है. और एजुकेशन लेवल, हाँ एजुकेशन लेवल मैं आपको बताऊँ, दे आर सो मच लिटरेट कि एवरी सेकंड पर्सन इन द होटल दे वाज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड दे अंडरस्टूड व्हाट वी आर टॉकिंग. उन्होंने फिर हमें कपड़े के पीसेस दिए थे बड़े, बोले कि यार हमारे पास जानमाज वगैरह तो नहीं है होटल में, तो आप हैं कि यू कैन टेक दिस क्लीन क्लॉथ ऑफ व्हाइट क्लॉथ, यू कैन डू योर नमाज एंड ऑल. तो हमने फिर नमाज अदा की. यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जायनमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. सुभान अल्लाह. बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं था. मैं आपको बताऊँ, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट. वहाँ की गवर्नमेंट मुस्लिम्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई है. आपको बताएं, जिस टाइम हम गए हुए थे उस टाइम गवर्नमेंट ने 600 हाउसेज फॉर ओनली फॉर द मुस्लिम इन गुजरात, क्योंकि गुजरात आ रहा था, नियर बाय था. तो वहाँ पे क्या होता, और मैं आपको बताऊँ कि हमें इंडिया से ये सीखना है कि मल्टीकल्चर लैंड है ना, उनको किसी, देखिए सबका मजहब अपने पास है, सबने अपना जवाब खुद देना है. सीधी बात है ना, मैंने अपने माँ बाप का भी नहीं देना, ना माँ बाप ने मेरा देना. मेरा रिलीजन मेरे पास है, उसको आप ओबे करें, उसको आप सिस्टम पे चलें जैसे चल रहे हैं. बाकी वहाँ पे मल्टीकल्चर है, उसी तरह पाकिस्तान को भी होना चाहिए. नमस्कार दोस्तों, आपके रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है. दोस्तों, पाकिस्तान का एक बंदा है जो अपनी फैमिली के साथ इंडिया घूमने आया था. इंडिया घूमने के बाद जब वो पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान के अंकल ने पूछा कि आप इंडिया गए तो आपको इंडिया कैसा लगा, तो पाकिस्तान के बंदे ने क्या जवाब दिया वो हम इस वीडियो में देखेंगे. तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो. तो कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? इट वाज रियली गुड. मतलब हम टीवी में देखते रहते हैं, तो काफी अच्छा लगा जब व्हेन वी लैंडेड इन दिल्ली एंड पीपल न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान. और काफी अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड काफी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हैरेस कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. सो व्हेन वी एंटर्ड इंडिया, तो काफी लोगों ने मतलब हमें एम्ब्रेस किया था कि दे न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड देयर रिलेटिव्स केम टू पिक अस अप फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट. और फिर हम लोग वहाँ पे स्टे किया हमने. फिर वहाँ पे काफी जगह है, जैसे कि श्री नारायण टेम्पल है फर्स्ट, वहाँ पर भी हम लोग ने विजिट किया था मुसलमानों को. हाँ, तो मतलब अलाउ था वहाँ पे जाना, अलाउ था बिल्कुल था. और हमने ये भी कहा था कि हमने विजिट इसलिए करना है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, काफी दूर से आए, तो हम चाह रहे थे कि हम चीजें देखें, विजिट करें. सो दे वेलकम्ड अस रियली नाइसली, एंड देन फ्रॉम देयर वी ट्रैवल्ड वाया रोड. हम लोग उनकी गाड़ी में, हमने फिर वहाँ से रामपुर से हमने स्टे किया था रामपुर में. अच्छा, रामपुर इज अ सिटी कह लें या विलेज कह लें, इट्स मोर ऑफ अ सिटी. तो वहाँ पे हमने स्टे किया था एंड वी स्टेड इन अ होटल विच वॉज टोटली हिंदू. लाइक ओवर देयर रामपुर में टोटली हिंदू है, मतलब देयर इज नॉट इवन अ परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स लिविंग देयर. सो वी टोल्ड दैट अजान का, हमने बोला था कि यार मस्जिद कहीं है, तो दे सेड के नहीं मस्जिद तो नहीं है यहाँ पे, तो आप मुसलमान हैं. हमने जी बिल्कुल मुसलमान है और आप पाकिस्तान से आए, बिल्कुल पाकिस्तान से आए. तो खैर उन्होंने काफी अच्छा बर्ताव किया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि देवल डर नहीं लगा. मतलब आपने बोला कि वहाँ पे तमाम लोग जो थे वो हिंदू थे, 1% भी मुसलमान नहीं थे. अरे हमें तो बड़ा डराया जाता है कि हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है, तो डर नहीं लगा? नहीं, ऑनेस्टली देयर वाज नॉट अ पिंच कि हमें डर था, ना पुलिस का डर था, ना किसी किस्म का कि कोई हमें कोई क्लेम करें कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और खुदा ना खासा कि हमारा किसी किस्म का कोई यहाँ पे टेररिज्म की जो बातें होती हैं इस तरह से, किसी ने किसी किस्म का मॉक तक नहीं किया. दे गिव अस अ रूम टू स्टे एंड स्पेशली उन्होंने एक डेडिकेट कर दिया था एक वेटर कि आप इनका ना खास तौर पर ख्याल कीजिएगा. उन्होंने फिर हमें कपड़े के पीसेस दिए थे बड़े, बोले कि यार हमारे पास जानमाज वगैरह तो नहीं है होटल में, तो आप हैं कि यू कैन टेक दिस क्लीन क्लॉथ ऑफ वाइट क्लॉथ, यू कैन डू योर नमाज एंड ऑल. तो हमने फिर नमाज अदा की. यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जायनमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. सुभान अल्लाह. बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं था. मैं आपको बताऊँ, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट. सो ऑल द वे ट्रैवलिंग फ्रॉम रामपुर, खानपुर एंड हैदपुर, ऐसा कोई नाम था, I don't remember the actual village's name. We traveled from there, we stood there, we stopped by there. हमने वहाँ पे पिया, खाना खाया, मतलब ऐसा कुछ नहीं था. फिर वहाँ से हम शेरकोट भी पहुँचे, जहाँ पे हमारे रिलेटिव थे मेरी वाइफ की. सो वी स्टूड देयर फॉर लाइक अ वीक और मोर. और फिर हम वापस, नहीं किसी किस्म का, वहाँ पे सिख भी थे, हिंदू भी थे, मलबारी भी थे, तमिल, किसी किस्म के इन्होंने हमें मतलब महसूस नहीं होने दिया कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम्स एंड वी आर फ्रॉम पाकिस्तान. डेवलपमेंट में कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान? माय गॉड, डेवलपमेंट इज लाइक टू मच. मतलब मैं बताऊँ कि वहाँ का गाँव इज मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यस, एंड वहाँ पे लोगों का, असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त है. चोरी चकारा बेमानी नहीं है, मेहनत कर रहे हैं वो. वहाँ पे औरतें भी मेहनत करी, खैर यहाँ पे भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत करती हैं, मगर वहाँ पे ना इस तरह का ट्रेंड नहीं है. मतलब दे वॉन्ट टू ग्रो, इनका माइंड सेट है कि ग्रो करो. ये इस तरह से नहीं किसी बात को पकड़ के बैठ गए कि हिंदू है मुसलमान है उसी में फंस गए. ये लोग ग्रो करना चाह रहे हैं एंड दे आर ग्रोइंग एक्चुअली राइट नाउ, दे आर ग्रोइंग फैबुलसली. एंड दैट टाइम बैक इन 2018 दे वर एक्चुअली ग्रोन टू द मार्क. मैं अगर कंपेयर करूँ पाकिस्तान में किसी सिटी के मुताबिक, मैं बताऊँ मेंटल लेवल पे भी लेके जाएँ, क्योंकि यहाँ पे 5% भी नहीं है. और एजुकेशन लेवल, हाँ एजुकेशन लेवल मैं आपको बताऊँ, दे आर सो मच लिटरेट
कि एवरी सेकंड पर्सन इन द होटल दे वाज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड दे अंडरस्टूड व्हाट वी आर टॉकिंग। पता है हम तो यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया में तो भाई गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ पे जहालत बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं देखें, जहालत तो यहाँ पे भी माशाल्लाह से बहुत है और गुर्बत तो यहाँ भी बहुत है, गुर्बत वहाँ भी है, बट नॉट इस तरह का नहीं है कि हर बंदा रो रहा है वहाँ। जिस तरह हम यहाँ पे आप किसी सेकंड पर्सन को पूछे कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या हाल है, भाई महंगाई ने मार दिया, महंगाई ने ये कर दिया, महंगाई। अच्छा वहाँ पे क्या है, मैंने देखा था, क्योंकि मैं तो 2018 की बात करूँगा, उससे पहले क्या होता था मुझे नहीं पता। वहाँ पे फैमिली के अंदर ना सब कमा रहे हैं, माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहे हैं, बहनें भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहे हैं। अब क्या कि पूरा घर को क्लब करके ना वो बेहतरीन किस्म का चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा क्या है कि एक बाप कमा रहे हैं या दो बाप माँ कमा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, खाले भी खा रही हैं, ताए भी खा रहे हैं, मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट इनका कि सब मेहनत कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। मतलब रोते हुए मुझे कोई बंदा नजर नहीं आया कि भाई हम मर रहे हैं गुर्बत से या परेशान है गवर्नमेंट से, ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आया वहाँ पे। दे वर ईटिंग वेरी गुड, इनका डेयरी, इनका एग्रीकल्चर और मतलब वेजिटेबल्स दे वर लाइक वेरी टेस्टी, और उनका मतलब टेस्टी अलग है, उनका मतलब काफी चीज़ अलग है। आपको इंडिया के खाने और वहाँ की सकाफत बहुत पसंद है? मुझे पसंद आई, मुझे ऑनेस्टली बता, क्योंकि असल में ना उनका मेंटल लेवल बहुत आगे, मेंटल लेवल आगे, वो ग्रो करना चाह रहे हैं, वो इस तरफ स्टक नहीं हो चुके हैं जिस तरह हम स्टक हो चुके हैं कि हमने पॉलिटिकल साइड पे लेके जाएं, भाई मैं तो नून लीग हूँ तो मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो आगे बढ़ना है तो वहाँ पे मैं सेंट्रल इंडिया का हूँ या मैं यूपी का हूँ, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मतलब होगा, मुझे नजर नहीं आया, मगर उस लेवल का नहीं है जिस तरह से यहाँ पर है कि हम पंजाबी हैं तो वो महाजर है तो वो पठान है, इस तरह का स्टोरी नहीं है। दे आर लिविंग मिक्स एंड दे आर अर्निंग गुड एंड दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, व्हाट आई सॉ। इंडिया की ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे, तो हमें तो अगर अपनी मीडिया की बात करें इंडिया की नेगेटिविटी ही दिखाई जाती है कि वहाँ पर खवातीन जो है महफूज नहीं है, वहाँ पर गुर्बत बहुत है, जहालत बहुत है, वहाँ पर हर दूसरा बंदा रोड पर सो रहा है, तो हमें तो हमारा मीडिया जो है एक नेगेटिव फेस ही दिखाता है, लेकिन आपने इंडिया की बहुत पॉजिटिव साइड जो है हमें बताई, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो? देखिए रही बात रोड पे सोना, रोड पे यहाँ पे भी सो रहे हैं, ट्रेन के पाटा हो पे आज भी सो रहे हैं, सीधी बात है, चाहे वो कराची है, मुझे लाहौर का मैंने देखा नहीं है, कराची में अभी भी ट्रेन के पाटा हो के पास है लोग झोपड़ियाँ बना के सो रहे हैं यहाँ पे, उसी तरह वहाँ पर भी है, सही है ना। जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा ना उनका स्टेट ऑफ माइंड, उनका जो सोच है ना, उनका जो दिमाग है ना, वो बहुत खुला है, मतलब वो इन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठते, इन चीज़ों को मतलब वैन वी हम जाके ना हम सेकंड पर्सन, यार हम पाकिस्तान से आए, और अच्छा पाकिस्तान से आए आप, आए ना बैठे ना आप कैसे, मतलब वो दे स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद अस, मतलब उनके साथ उनकी एक फैमिली मेंबर थी वो आ गई, अच्छा पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान में कैसे हैं लोग, कैसे रहते हैं, एंड दे वर सो मच इंटरेस्टेड विद अस, मतलब इंटरेस्टेड इनटू अस कि दे स्टार्टेड आस्किंग अस और आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे। जाने से पहले डर था या किसी ने रोका हो, मना किया हो कि भाई इंडिया मत जाओ, कहीं और चले जाओ, इंडिया ही क्यों? जी बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम इंडिया क्यों जाना चाह रहे हो, तो तुम लोग कहीं उनको भी कजन्स को वहाँ बुला लो, दुबई वगैरह या इंडोनेशिया, मतलब किसी नियर बाई स्टेट पे, और आप लोग वहाँ मिल लो जाके। हमने बोला नहीं इंडिया जाएंगे, इंडिया देखना है, मतलब हमने बचपन से मूवीज़ में देखते आ रहे हैं और चीज़ें देखते आ रहे हैं, तो हमें इंडिया भी देखना है और ये मौका है हमारे पास, सो वाई नॉट इंडिया। सो उस टाइम थोड़ा सा खौफ था, मगर जब हम लैंड हुए थे एंड वी एंटर्ड इंडियन एयरपोर्ट और जब वहाँ पे हम लोगों से इंटरेक्ट हुए वहाँ के फोर्सेस से, मतलब दे वर सो स्वीट, और मैं आपको बताऊँ कि फिर वहाँ पे ना थोड़ा सा दिल ईजी हो गया। हाँ फिर हम जिससे मिलते थे ना अस्सलाम वालेकुम, तो वो कहते हैं वालेकुम सलाम, मतलब वो हिंदू होता था, हम कहते थे सलाम वी आर फ्रॉम पाकिस्तान और हमें थोड़ा सा बताएं आपके यहाँ पे नेटिव क्या प्रोडक्ट है जो हम लेके जाए, मतलब देवा बिल्कुल नॉर्मल, मतलब हमें फिर तो हमें मतलब हम बिल्कुल ईजी हो गए, बोलते ना बिल्कुल खुला हो गए थे। हमने बोला कि हाँ बस ठीक है, हम जाके मिलते हैं सबको और सबको हम खुद ही ग्रीट कर रहे थे एंड वी स्टार्टेड सेइंग हाँ वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और मतलब इट वॉज ईजी देन। कहाँ कहाँ घूमना हुआ? हम लोग दिल्ली घूमे थे, दिल्ली से फिर हम लोग ट्रेवल किए, दिल्ली पूरा घूमे हम लोग, रेड फोर्ट घूमे हम, फिर वहाँ पे जो इनका श्री नारायण मंदिर गए थे हम, गुरुद्वारा गए थे हम लोग वहाँ पे, फिर वहाँ पे मतलब इनके जो मार्केट्स थी वहाँ पे घूमे थे हम लोग, फिर वहाँ से हम ट्रेवल करके हम लोग मतलब तकरीबन 4-5 घंटे का सफर था टू यूपी ना, उत्तर प्रदेश गए थे हम लोग, तो वहाँ पे शेरकोट है, तो वहाँ से फिर ट्रैवल करते करते हम स्टॉप ओवर। दोस्तों आपने वीडियो देखा, वीडियो में पाकिस्तान का बंदा जब इंडिया आया तो इंडिया की तारीफ वो भर भर के कर रहा था, वो कह रहा था कि इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने एटीट्यूड नहीं है, उनका रवैया बहुत अच्छा है, मैं एक पाकिस्तानी होते हुए भी वहाँ के लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। पाकिस्तान के आदमी ने बताया कि उन्होंने स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन किए, जब वो एक होटल में रुके तो वो आसपास मस्जिद नहीं थी, तो होटल स्टाफ ने उन्हें एक क्लीन सफ़ेद कपड़ा दिया और कहा कि आप यहीं पर नमाज़ पढ़ लें। जब इनकर ने पाकिस्तान के आदमी से पूछा कि इंडिया में मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना बैन है, क्या ये सच बात है, तो पाकिस्तान का आदमी बोला कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ कोई जुल्म होता है या उन्हें नमाज़ पढ़ने से मना किया जाता है, ये सब हमारी मीडिया दिखाती है और हमें नफरत फैलाती है। दोस्तों पाकिस्तान का आदमी कह रहा था इंडिया के लोगों का माइंडसेट ग्रोथ की तरफ है, बस वो ग्रोथ करने की सोचते हैं, हम पाकिस्तानियों की तरह हिंदू मुस्लिम या कश्मीर मुद्दों के पीछे नहीं पड़े रहते हैं, उनका माइंडसेट हमेशा आगे बढ़ने को रहता है और वो हमेशा इसलिए वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस पाकिस्तानी भाई के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।